यू आर पुटिंग माइक इन, हमारा अधिकार, तो मेरा भी अधिकार है पूछने का कि आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं। ब्रेन के डॉक्टर, जस्ट अ मिनट मैम, प्लीज बाहर जाइए, गार्ड्स को बुलाओ, क्यों यहाँ पर डेकोरम खराब कर रहे हैं। बुलाइए गार्ड्स को, आप धक्के मत। अपना जी बस काट रहा हूँ जी, आप घर पे ले जाना चाहते हैं? नहीं, डॉक्टर ने खुद बुला के बोला मेरे को कि आप इसको मेरा पर कर रहे हैं, आप इसको और कोई आप कौन है पूछने वाले? मैं मीडिया से हूँ, मेरा तो ठीक है, आपको नहीं बताएंगे उनके। रात जब उन्हें साइन छोड़ दिए तो फिर उसने अपने आप साइन कर लिया पुलिस वाले ने। What is wrong with you? सर, उसको ट्रांसफर क्यों, अंकित को ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सोनीपत के फीम्स अस्पताल से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं मामला, मैं आपको बता दूं कि जब भी सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात आती है तो सबसे पहले आम आदमी के दिमाग में जो नाम आता है वो है पुलिस प्रशासन का। जब भी न्याय की बात आती है तो आम आदमी के दिमाग में जो नाम आता है वो है पुलिस प्रशासन का। लेकिन जब पुलिस खुद वारदात में शामिल हो तो न्याय की उम्मीद किससे करे। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला 10 जुलाई को देखने को मिला है। फौजी का लड़का, जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि फौजी का लड़का, 21 साल का लड़का अंकित, जिसका नाम बताया जा रहा है, पुलिस थाना सिविल लाइन में पुलिस की गाड़ी के द्वारा उसको कुचल दिया जाता है। जी हाँ, पुलिस की गाड़ी के द्वारा उसको कुचल दिया जाता है। 3-4 पुलिसकर्मी जो थे उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई वो यह हुई कि उसको फीम्स अस्पताल में एडमिट कराया जाता है 10 जुलाई को, और पुलिस की मिलीभगत के द्वारा यहाँ पर उसको MLR भी नहीं काटी जाती है। वो लड़का यहाँ पर एडमिट है 10 जुलाई से और ICU में एडमिट है। उसकी हालत जो है काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, और आप देख सकते हैं कि परिजन हमारे साथ मौजूद हैं और बार बार वो न्याय की गुहार जो है पुलिस प्रशासन से लगा रहे हैं, थाने के बार बार चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, जब पुलिस प्रशासन इसमें शामिल है तो फिर ना 112 पे की गई कॉल हमारे काम आती है, ना संबंधित जो चौकी के इंचार्ज हैं वो इसमें कोई कार्रवाई करते हैं। चलिए बात करते हैं अंकित के भाई से। अंकित के भाई आप? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ ये मुद्दा है, क्या मैटर है? सर, ये पुलिस लाइन के अंदर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो इसको हम खानपुर भी लेके गए थे, तो वहाँ खानपुर भी इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, वहाँ भी इसकी MLR नहीं काटी गई थी, और यहाँ फीम्स मिलाने के बाद वहाँ से रेफर करके यहाँ पे लेके आए हैं। कितनी चोटें आपके भाई को लगी है? वो बहुत सीरियस कंडीशन में है मैम, उसको सिर में, पैर में और लीवर पे चोट लगी हुई है। अब यहाँ के डॉक्टर ये बोले, सुबह तक मेरा भाई नॉर्मल था, थोड़ा बोल रहा था, अब बोल रहे हैं कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ से रेफर करके ले जाओ। और MLR भी इन्होंने आज सुबह काटी है हमारी, 10 तारीख को MLR कटनी थी हमारी, शाम को उस दिन हमारी MLR भी नहीं काटी गई। SP ऑफिस में मिलने के लिए गए SP से, तो वहाँ हमें मिलने नहीं दिया गया, और यहाँ पे जब पुलिस थाने में जाते हैं वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करती की जाती है। कल कॉम्प्लेक्स, कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी में गए थे, वहाँ पे तो SI ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है, हाथापाई पे उतर आए थे वे और धमकी देने लगे, आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो, इस पे कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो हमारी, हमें न्याय चाहिए, हमें, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। आप देख सकते हैं कि न्याय के रक्षक पुलिस प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर गुंडा बने हुए हैं। सोनीपत की पुलिस प्रशासन एक लचर व्यवस्था हम पुलिस प्रशासन की यहाँ पर कह सकते हैं। न्याय मिलना यहाँ पर आम आदमी को एक बहुत ही मुश्किल बात हो गई है। हाँ सर, क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? पुलिस प्रशासन तो ये आते हैं, जो भी आता है वो बोलते हैं अपना समझौता कर लो, ये कर लो, दबाव डालते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई से ने भी अभी तक। इतनी सीरियस चोट लगने के बावजूद भी MLR क्यों नहीं कटी, आपके डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर से कल मैंने पूछा, मगर सर हमारी MLR क्यों नहीं कटी, उन्होंने बदतमीजी से यहाँ इमरजेंसी में, उन्होंने बोला नहीं कटती है MLR यहाँ पे, जो करना आपको जा कर ले। तो उन्होंने फिर यादवेंद्र जी यहाँ पे आए हैं,
तो सुबह तो उन्होंने मीडिया के थ्रू करने के बाद यहाँ पे अब दोपहर के टाइम इन्होंने 2 बजे MLR काटी है आज की तारीख में मैम। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी से देवेंद्र गौतम भी हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। हाँ सर, लगातार आप जो आम पब्लिक की समस्या होती है उनमें सहयोग करते हैं, जो ये आज का मुद्दा है अंकित का, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, नेगलिजेंसी एक बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है। सबसे बड़ी है कि जो ड्राइवर गाड़ी के ऊपर बैठा, उस गाड़ी का ड्राइवर ही नहीं था, वो सुनने में आया कि ऐसे ही उमा में बैठ गया। तो उमा में जो आज यहाँ पे पेशेंट एक हालात में उसके क्रिटिकल सिचुएशन में, वो साइड डेड भी हो सकता था उस उमा में, उनका तो उमाया हो गया, यहाँ पे किसी की जान जा सकती थी। तो एक तो नेगलिजेंसी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिली, ये बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है कि उसकी आत्मचाबी आई कैसे, जो उसकी गाड़ी का ड्राइवर है ही नहीं। लोडिंग गाड़ी थी, वो स्टार्ट हुई, उसके ऊपर आया, उसके बाद जो दबाव जिस प्रकार से कृष्णावती हॉस्पिटल में गए, PGI खानपुर लेके गए, उसके बाद फीम्स हॉस्पिटल में आए और फीम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया प्राइवेट अस्पताल के अंदर। सबसे पहले अगर एक्सीडेंटल केस आया तो MLR काटनी चाहिए, चाहे वो PGI हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, उसको पता होना चाहिए कि इसकी MLR काटनी चाहिए एक्सीडेंटल केस के अंदर। उसके बाद जो उसके अटेंडेंट है, वो चाहे उसके ऊपर कार्रवाई करवाई या ना करवाई, वो सेकंड थिंग है, लेकिन अपने MLR तो जरूर काटो पेशेंट की। उसके बाद MLR आज की डेट में उन्होंने दिखाई है और पेशेंट को एडमिट भी आज अस्पताल ने आज की डेट में दिखाया है उस MLR के अंदर। रात को 2:21 पे आज सुबह की डेट में यहाँ पे एडमिट दिखाया इन्होंने और 2:27 सुबह की, मतलब आज की डेट में उसका एग्जामिनेशन जो हुआ है वो आज की डेट में दिखाया गया। जबकि पेशेंट यहाँ पे 10 तारीख को लगभग रात के, मतलब 11 तारीख लग चुकी थी, 10 और 11 तारीख की रात को 1 बजे यहाँ पे एडमिट हो चुका। एक्सीडेंट सर किस टाइम हुआ? ये तकरीबन 7 बजे के आसपास है, 10 तारीख को शाम को। यस, तो पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, इसके अंदर पुलिस प्रशासन जब न्याय करने वाले ही न्याय दिलाने में उसके अंदर जो घटना हो रखी उसके अंदर स्लिप्त हो जाए, तो न्याय मिलना बहुत ही एक वैसे ही न्याय नहीं मिल पाता, और जो पुलिस वाले उसके अंदर शामिल हो गए तो एक न्याय मिलने में बड़ी देरी हो रही है। अपराधियों का बचाने का प्रयास जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनका महकमा इसमें शामिल है, तो देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। हाँ सर, जो जानकारी हमें मिली आपके साथ भी यहाँ पे बुरा व्यवहार जो किया गया, वो डॉक्टर साहिल थे यहाँ पे, तो MLR उन्होंने इनको देने से मना कर दिया था कि भाई हम MLR नहीं देंगे। तो मैं उनसे ये पूछने के लिए गया था, भाई कौन से राइट में लिखा हुआ है कि जो पेशेंट के परिजन है उनको MLR नहीं दी जाती है, आप मुझे कोई कानून तो बता दो। उन्होंने बोला हम नहीं देंगे, और सिक्योरिटी को भी अभी सिक्योरिटी से इनको बाहर भेजा, नहीं तो मैं आपको बाहर भेजाऊंगा। तो एक डॉक्टर की जो भाषा है, MBBS करके वो यहाँ पे आए हैं और अपना आपातकालीन वार्ड के अंदर, एक इमरजेंसी वार्ड के अंदर जहाँ पे बहुत सहन शक्ति वाला डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि पहले ही परेशान होकर मरीज वहाँ पहुँचता है आपातकालीन वार्ड में, उसके बाद आप स्ट्रेस दिखाएंगे, अपनी एक फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालेंगे, तो वो कहाँ तक जायज है? तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम तो दिखाएंगे नहीं, आप बाहर निकालिए, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाता हूँ, आपको बाहर भिजवाता हूँ। आप देख सकते हैं एक किस तरह का अनोखा मुद्दा जो है हमारे सामने आया, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया, डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिंदगी बचाने वाले दोनों महकमे, डॉक्टर और पुलिस प्रशासन, आज किस तरीके का व्यवहार जो है आम पब्लिक के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। 10 तारीख को यहाँ पर जो है अंकित एडमिट हुआ था, उसकी MLR भी नहीं काटी गई, जबकि एक्सीडेंटल केस में ये होता है कि जब भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाता सबसे पहले MLR जो उसकी काटी जाती है, और सर के साथ भी यहाँ पे जो मिसबिहेव किया गया। अपील मेरी आपसे रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। अभी अंदर हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की, देख सकते हैं कि अंकित हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या कुछ था। अंकित बताएं पूरा मामला क्या कुछ था। आप देख सकते हैं कि पेशेंट की हालत यहाँ पे कितनी ख़राब है, देख सकते हैं अंकित आपके सामने मौजूद है। एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर्स कहाँ मिलेंगे? अभी क्या चलती मामा? डॉक्टर गौरव इस टाइम तो नहीं हो पाएंगे, जो ब्रेन के डॉक्टर है वो जस्ट मिनट, अभी रिसेप्शन पे इंक्वायरी चल रही है, अभी देखते हैं कौन से डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। एमरजेंसी में डॉक्टर मिले हैं मैम इस टाइम ओनली आपको? कितने डॉक्टर हैं एमरजेंसी में? एमरजेंसी में एक ही डॉक्टर होते हैं इस टाइम। अंकित को जरूरत पड़ेगी तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर आएंगे वो तो।
उनको रेफर भी तो। मैडम इमरजेंसी में बुक कीजिए, यहाँ पे कोई सुलझा नहीं। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर है, यहाँ पे कोशिश करते हैं अंदर जाने की। हाँ नमस्कार सर। मैम आप पहले नॉर्मली बात करिए, क्या है आप किस लिए मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले? नॉर्मली मैं अंकित के मैटर में आपसे बात। आप पहले मेरे से दूर रहिए, थोड़ा इसको दूर रखिए। मैं तो आपसे दूर ही हूं। एथिकली यू हैव टू टॉक टू मी फर्स्ट ना, आप ऐसे क्या यू आर पुटिंग अ माइक। ये हमारा अधिकार है सर। तो मेरा भी अधिकार है पूछने का कि आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं। मैं अंकित के मैटर में आपके पास आई हूं। अभी इमरजेंसी से बाहर जाइए प्लीज। सर जो अंकित नाम का पेशेंट आपके यहाँ पे एडमिट है, मेरा आपसे ये सवाल है कि उसकी MLR क्यों नहीं काटी? MLR कट चुकी है पेशेंट की। कब कटी है सर? आप कौन है पूछने वाले हैं? मैं मीडिया से हूँ, मेरा अधिकार है। तो ठीक है आपको नहीं बताएंगे, उनके अटेंडेंट्स को बताएंगे, बता चुके हैं, प्लीज आप जाइए। क्या बता चुके हैं? ये इमरजेंसी वार्ड है। 10 तारीख को कोई भी पेशेंट अगर एक्सीडेंट केस आपके पास आता है तो तुरंत MLR कटनी चाहिए, क्यों नहीं काटनी? मैम प्लीज बाहर जाइए, गार्ड्स को बुलाओ, ये क्यों यहाँ पर डेकोरम खराब कर रहे हैं? बुलाइए गार्ड्स को, आप धक्के मरवाइए, कोई बात नहीं। What is wrong with you? सर, उसको ट्रांसफर क्यों, अंकित को ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? कैमरा ऑन है इसीलिए मैंने कैमरा बंद नहीं किया, बार बार कह रहे हैं मुझे टच किया जा रहा, टच किया जा रहा, मैं इनको टच कर रही हूँ, देखिए आप। सर किसी ने पेशेंट को ट्रांसफर, दूर से बात करते हैं। हाँ जी सर, किसी ने पेशेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है? क्योंकि उनके अटेंडेंट्स घर पे ले जाना चाहते हैं उनको। वो तो मना कर रहे हैं, हाँ जी आप घर पे ले जाना चाहते हैं? नहीं डॉक्टर ने खुद बुला के बोला मेरे को कि आप इसको रेफर कर रहे हैं, आप इसको और कोई नाम उस डॉक्टर का गौरव सर ने मिलवाया, वो रिसेप्शन के पास जिससे आपको मिलवाया था डॉक्टर को जो अभी निकले हैं, उस डॉक्टर ने बोला मेरे को, बोला गया, बोला अपने भाई इसको या तो दिल्ली लेके जाओ या रोहतक लेके जाओ, यहाँ से हम रेफर कर रहे हैं। हमारे तो किसी ने बोला ही नहीं है कि हमारे को रेफर कर दो। जी, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिन्होंने एक तो ना बेसिकली आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है, आप सिर्फ एक मिनट चुप हो जाएंगे तभी पता लगेगा आपको, ठीक है। हाँ मीडिया से ही है या आप ऐसे ये सब कर रहे हैं? पता है ना आपको, पहले कोई चीज पूछी जाती है फिर जवाब आएगा, ठीक है ना सर? हम पूछ के रिसेप्शन पे इंक्वायरी करके तब आप तक पहुंचे, बड़ी मुश्किल से मुझे आप मिले। आप गलत इंक्वायरी कर चुके हैं क्योंकि जिस डॉक्टर के बारे में बता रहे वो मैं हूं नहीं, और दूसरी बात पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से सलाह दी जाएगी ना। मैंने सुनो मुझे पता है कि डॉक्टर गौरव उनका इलाज कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो जानकारी आपके पास है वो बता दीजिए। हाँ तो मुझे जानकारी ये है कि ये पेशेंट को लेकर आए थे, इनके पेशेंट को चोट लगी थी, इनका कुछ वो बाइक से गिरा था पेशेंट, तो पुलिस वाले खुद आए, उनके लिखित में पैड है हमारे पास जिसपे उनके दोनों पुलिस वालों के साइन है, पैड दिखा देता हूँ मैम आपको, अरिन के डॉक्टर की पैड पे ही उन्होंने लिखवाया हुआ है कि हाँ इसको चोट लगी है, कि हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते, और इनका जो डॉक्टर है एक जो इनके खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं क्या बात है, ठीक है ना। ये कैमरे हैं मैम, कैमरे निकलवा सकते हो जिनसे आगे रिकॉर्डिंग। हाँ वो कुछ बोलना चाहे उनकी। हाँ सर आप कह रहे कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ, किसने बोला? इन्होंने बोला, नहीं बोला मैं, नहीं नहीं आपके इनके पास पुराने हॉस्पिटल के पर्चे हैं जिस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के लाए, इनको रोहतक PGI रेफर किया गया, ये यहाँ पर लेके आए, यहाँ आने के बाद जो प्रीवियस पर्चे हैं उस पर ये लिखा हुआ है कि पेशेंट बाइक से गिरा है, ठीक है, वी विल कंटिन्यू द ट्रीटमेंट एज पर द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन दैट हैज ट्रीटेड देम, ठीक है। सो उसके बेसिस पे हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, इनसे बात होने पे इन्होंने ये चीज़ एडमिट करी कि हाँ पेशेंट खुद से ही गिरा है, एक ऐसा वर्ड इनके पीछे ज़रूर था कि हाँ इनकी टक्कर हुई है, जो भी है हमने इनसे कहा कि आप डिसाइड कर लो टक्कर हुई है या गिरा है, इन्होंने लिख के दिया कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ गिरा है, हमें सिर्फ इलाज से मतलब है, वो इन दोनों की जो भी पार्टीज थी उनके बीच की बात है, हमारे पास बात सिर्फ इतनी आई है कि पेशेंट बाइक से गिरा है, बाइक से गिरने वाले पेशेंट का पूरा इलाज कराया गया है, बाइक से गिरने वाले पेशेंट का पूरा इलाज कराया गया है, और उसके बाद इनका आज पेमेंट का या किसी चीज़ का इशू है जिसके बाद से यहाँ पर रकस मचा रहे हैं, कभी इमरजेंसी में डॉक्टर से लड़ने आ रहे हैं, कभी ऑर्थो डिपार्टमेंट में डॉक्टर से लड़ रहे हैं। भाई पेमेंट और कितनी चाहिए? पेमेंट किस ना कहिए, पेमेंट का इशू है, पेमेंट का तो कोई इशू नहीं है ये, फिर नहीं है ना, फिर ये मत बोलो आप, फिर आप पेमेंट का इशू क्यों बोल रहे हो? और इन्हीं डॉक्टर ने नहीं सर वो लड़ नहीं रहे, मैम ऐसा है कि हमने इलाज की मना नहीं करी, दीज आर द सेम पीपल हु रिफ्यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट,
एक घंटा पेशेंट यहाँ पड़ा रहा, यही लड़का था जो आया और ये बोल के गया कि इसको मरने दो, हमें इलाज नहीं कराना है। ये बोले साइन करो, ये जो लेटर पैड दिखा इस पे साइन करवा रहे थे, मैं बोला मैं नहीं करूँगा। ये जो लेटर पैड आपके पास कहाँ का है? ये इसी हॉस्पिटल का मैम, ये दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? ये इन्होंने लिखा हुआ है और फर्स्ट टाइम इन्होंने लिखा था, इनके साथ डॉक्टर थे वो बोले आप मत लिखो, फिर इन्हीं की इसी पैड पे बाहर ले जाके जो पुलिस वाले थे उन्होंने लिखा, उन पुलिस वालों का ये साइन है, अगर ये बाइक से गिरा हुआ है तो इसमें बाइक का कोई वो नहीं है कि बाइक से गिरा हुआ है, ये पुलिस वालों ने साइन, उनकी वीडियो भी है। एडमिट किया था आपने वहाँ पे? आपने क्या बयान दिया वहाँ पे? तो हमारा कोई भी बयान नहीं लिया था, मैं वहाँ पे लेट पहुँचा था। जो लिखित प्रूफ है वो लीजिए या वीडियो एविडेंस निकलवाइए, ऐसे हवा में बात, ये कुछ भी कह रहे हैं और हवा में आप इनको सुबह से लेटर पैड है ना सर? हाँ ये रहा। ये किसका है? ये देखिए आपके हॉस्पिटल का है। ये मेरा सिग्नेचर नहीं है इस पे, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसपे दो, सुनिए, इनका और किसी और का अग्रीमेंट है, आई एम नॉट लायबल फॉर दैट मैम। अगर आप और आपके कैमरामैन अगर कुछ भी चीज, कोई भी वर्बल या रिटन अग्रीमेंट करते हैं, सो आई एम नॉट लायबल फॉर दैट, देयर इजंट। आपका अभी कहना था कि मुझे पूरी जानकारी नहीं, इस केस को मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ। एक तरफ आप दावे से कह रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट बाइक से हुआ है, इनका झगड़ा हो रहा है जिस बात पे उसकी मुझे जानकारी नहीं है। व्हाई इज ही क्रिएटिंग रकस इन द हॉस्पिटल? आई नो अबाउट द पेशेंट, मुझे पता है पेशेंट यहाँ पे किस कंप्लेंट से आया था, मुझे पता है कि पेशेंट को पहले क्या इलाज दिया गया, मेरे पास इमरजेंसी में क्या इलाज दिया गया है, ठीक है। अब इनका क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो ना मेरा कंसर्न है ना मुझे पता है उसके बारे में, ठीक है। कि किस तरीके का व्यवहार जो है यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा, किस तरीके से बात को यहाँ पे घुमाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। परिजनों के पास हर बात का प्रूफ है, आप देख सकते हैं कि लेटर पैड पे पुलिस वालों के साइन भी यहाँ पर है और पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग भी इनके पास है, फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, जो मरीज के साथ आए हुए हैं, वो सभी झूठ बोल रहे हैं।